सो दिस इज़ डे 7 ऑफ आर लद्दाख ट्रिप एंड टाइम अभी हुआ है 8:30 बज चुके हैं और रोज़ की तरह धूप इतनी तेज़ है कि क्या बताऊँ, एक दिन भी बारिश नहीं हुई है तो अब बेटर लग रहा है। सो आज का प्लान कुछ ऐसा है, अभी हम नुब्रा से निकलेंगे, यहाँ से यहाँ दीक्षित मोनेस्ट्री जाएंगे, फिर दीक्षित मोनेस्ट्री से हम जाएंगे सीधा पेंगोंग लेक, वहाँ पे पूरा दोपहर तक पहुँच जाएंगे आई गेस, वहाँ पे पूरा शाम स्पेंड करेंगे, स्टार गेजिंग करेंगे, फिर वहाँ से अगले दिन सुबह निकलेंगे वापस ले। सो लेट्स गो। आज बहुत स्पेशल दिन था, दीक्षित मोनेस्ट्री में दलाई लामा आने वाले थे, इसलिए आज नहीं हो सकता। बंद होने की वजह से हम ऊपर मोनेस्ट्री में जा नहीं पाए, फिर अब सीधा पेंगोंग। आज मुझे मौका मिला था नुब्रा से पेंगोंग तक पूरा बाइक राइड करने का, मगर पता नहीं क्या ख्याल आया कि मैंने मना कर दिया, और फिर अभी बैठे बैठे बस यही सोच रहा था कि काश कर लिया होता। कभी कभी ना बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, पर फिर मुझे लगता है कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब इतना सफ़र तय कर लिया है तो भूख तो लगती है ना, लंच भी कर लेना चाहिए, और फिर ये भाटिया जी सफाई कर रहे हैं गाड़ी, ये देखो भाटिया जी सफाई कर रहे हैं गाड़ी की, चमका देंगे और गाड़ी देंगे। देखो बाकी सब बाद में, सबसे पहले व्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू। रास्ता ही बंद है आगे, अब कैसे जाएंगे पेंगोंग लेक, अभी 10 किलोमीटर बचे, पैदल भी नहीं जा सकते। रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है, सारी गाड़ियां फंसी हुई है, अब भी वेट करें, बहुत पीछे हमारी गाड़ी। चलो चलते अपनी गाड़ी में। अरे यार ऐसे क्यों कर रहे हो, इधर बैठेगा, अरे क्या करते हैं आप, फक लेके चल रहे सब। ओ निकाल दी भाई निकाल दी, इसने लिया
निकाल दे भाई, निकाल दे गाड़ी, निकाल दे। पेंगोंग लेक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है, आपको कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर पता जब आपकी पहली नज़र उस लेक पे पड़ती है ना, तो बस आप खो जाते हो। Okay, so this is Pengong Lake. You know, it's super windy right now, but it's so damn beautiful that one could just stand here and keep staring at the beautiful combination of the lake, the mountains, the clouds. It's so damn beautiful. Aana chahiye aapko, because it's not that cold right now. Bilkul bhi thand nahi hai yahan pe abhi. Windy hai thoda. You know, I remember when I came last time in the month of April. It was so damn cold that रुक ही नहीं पाए हम यहाँ पे, बस आधा घंटा ही रुके होंगे, बिकॉज बहुत 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 ठंड थी यहाँ पे, और इस टाइम ऐसा समर जैसा फील हो रहा है, सुपर विंडी एंड सो ब्यूटिफुल। सो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकूँगा, थोड़ा टाइम इन्जॉय करूँगा, एंड देन आई विल गो बैक टू माई कैंप। वो बाइक थी जो मुझे राइड करनी थी, पर कोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं अगली बार लद्दाख जाऊंगा तो बाइक पे ही जाऊंगा। जब मैंने पेंगोंग लेक का ये व्यू देखा ना, तो मैं बस देखता ही रह गया और सोच रहा था कि कल सुबह जब मैं लेक के सामने उठूँगा तो कैसा दिखेगा। और अगर आपको भी जानना है तो अगला पार्ट मिस मत करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।